में कोरोना के मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 96,760 मरीज बढ़े। इसके साथ ही अब तक मरीजों की संख्या बढ़कर 45,59,725 हो गई है। अगर हम सबसे प्रभावित देश अमेरिका से तुलना करें तो पिछले 5 दिन में भारत में मरीजों की संख्या करीब 3 गुना बढ़ी है। गुरुवार को अमेरिका में सिर्फ 38,811 केस सामने आए थे, जबकि उधर देश में मृत्यु दर घट रही है। पिछले 8 दिन में ये 1.70% से घटकर 1.67% पर आ गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 10 लाख के करीब पहुंच गए हैं। देश में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। राज्य में अब तक 9,90,795 लोग संक्रमित हो चुके हैं। उधर मुंबई के धारावी इलाके में 11 और मरीज मिले हैं। इसके साथ ही यहां कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,000 के करीब हो गई है। फिलहाल यहां सिर्फ 120 एक्टिव मरीज हैं। उधर मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में एक हफ्ते से 5,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। गुरुवार को 6,988 मरीज सामने आए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच गया है। इनमें से 2,21,506 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 66,317 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 70 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस को महामारी घोषित किए हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 मार्च को इसे महामारी घोषित किया था। WHO निदेशक ट्रेडोस ग्रेबियसिस ने कहा है कि दुनिया के देशों में लीडरशिप और एकजुटता की कमी सबसे बड़ी चिंता की बात है। उन्होंने कहा है, हमारे बटे होने से वायरस ज्यादा फैलता है, साथ में आकर ही इसे हराया जा सकता है। दुनिया में अब संक्रमितों का आंकड़ा 2,82,44,268 हो चुका है। अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वालों की संख्या भी 2,02,44,524 हो चुकी है। वहीं महामारी में मरने वालों की संख्या 9,11,647 हो चुकी है। वहीं चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बिल्लियों में कोरोना वायरस तेजी से फैलता है। चीन के हुनजांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वुहान के 102 बिल्लियों के सैंपल की जांच की। इनमें से 15 कोरोना पॉजिटिव पाई गई।